बड़ी खबर बता देती है विकास दुबे को लेकर, जहां पर विकास दुबे के खजांची की 27 करोड़ की प्रॉपर्टी का खुलासा किया गया है। 8 साल पहले प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करता था खजांची। नियमों को ताक पर रखकर राजस्व को लगाया गया चूना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार का करोड़ों का राजस्व टकार गया खजांची जय वाजपेयी। विकास दुबे के खजांची की 27 करोड़ की प्रॉपर्टी का खुलासा सामने आया है। शहर के अलग अलग हिस्सों में मिली है प्रॉपर्टी और साथ ही हर्ष नगर और आर्य नगर में करोड़ों की प्रॉपर्टी मिली है। 8 साल पहले प्रिंटिंग प्रेस पर नौकरी करता था खजांची। और इस पर अधिक जानकारी के लिए इनपुट हेड सुनील गुप्ता जुड़ चुके फोन लाइन पर। सुनील जी, लगातार खुलासे होते जा रहे हैं। जो खजांची था 7 साल पहले, बात करें तो प्रिंट मीडिया में काम किया करता था सिर्फ 4000 की नौकरी पर, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है 27 करोड़ की प्रॉपर्टी सामने आई है। देखिए, जिस तरीके से एक तो बात है, विकास दुबे के ऊपर जब कहा जा रहा था कि विकास दुबे का सारा कारोबार ये खजांची जो उसका बना हुआ था, आज तक यही देखता है उससे जो तमाम सारे कहा जा रहा था, लेकिन जब एसटीएफ ने इसको उठा करके एक के बाद एक पूछताछ शुरू करी तो सब सारे मामले सामने आने लगे। और ये बता दें कि केरियर चूंकि लगातार इसके सारे कारोबार रख रहा था, तो अब अधिकारियों ने एक बड़ी जानकारी मुहैया कराई है और उसको उन्होंने बता दें इसको सूची भी उपलब्ध कराई है कहाँ कहाँ पर इसकी कितनी प्रॉपर्टी और किस किस तरीके से ये लगातार प्रॉपर्टी एक के बाद एक बना रहा था। और बड़ी चीज ये है कि लगभग 27 करोड़ की प्रॉपर्टी सामने आने के बाद सभी के साथ एक चीज ये सामने आई कि जो भी प्रॉपर्टियां खरीदी गई या जिनका भी निर्माण कराया गया, सभी को अवैध तरीके से उनका निर्माण कराया गया। सारी प्रॉपर्टियां अवैध ढंग से वहां पर इसको खरीदी गई और सभी प्रॉपर्टियों में, उसके अलावा जो 3 गाड़ियां लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई है, उन 3 गाड़ियों में किसी में भी इसका कोई नाम नहीं है, दूसरे के नाम से गाड़ी। लेकिन बड़े सवाल खड़े होते हैं, 7 साल पहले 4000 की नौकरी किया करता था, लेकिन अब 27 करोड़ की प्रॉपर्टी पहुंच गई है उसकी, आखिर तक पैसा मिला कहां से उसको? देखिए, सीधी से एक बात सामने आ रही है कि ये विकास हुए है ये कहीं ना कहीं जय वाजपेयी के साथ मिल करके हवाला कारोबार से ये दोनों जुड़े हुए हैं, क्योंकि विकास दुबे जितनी थी वो इसको ब्याज रूप में इसको दे दिया करता था, जिससे सब कुछ हिस्सा ब्याज का ये लेता था, विकास दुबे को पहुंचाता था। जिस जो अभी एक खुलासा भी हुआ है, एक हफ्ता पहले 15 लाख रुपया इसने विकास दुबे के खाते में ट्रांसफर किया, जिसको लेकर ये कह रहा था मैंने उसको उठा दिया था, लेकिन जब बात सामने आ गई लिखा पड़ी है 5.5 करोड़ रुपए का लेन देन था, तो एक बात सामने आ गई कहीं ना कहीं दोनों के तार हवाला कारोबार से जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर के अब फिलहाल अधिकारी उसकी पड़ताल कर रहे हैं। उनका मानना है कि जिस तरीके से प्रॉपर्टी सामने आई है, ये कहीं ना कहीं इस पूरे अवैध कारोबार से अवैध रूप से उगाई जो वसूली की जो रकम थी उसको जय वाजपेयी को दिया जाता था, और पूरी रकम से कहीं ना कहीं ये जय वाजपेयी उसने उन सारी अवैध वसूली की रकम से सारी प्रॉपर्टियां खरीदी थी, जिसको लेकर के अब अधिकारी जांच करने की बात कर रहे हैं। और वाकई में जिस तरीके की ये प्रॉपर्टियां हैं, हर एक प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी का किसी भी जो भी मकान इससे बनवाए गए, कोई भी निर्माण की कहीं भी केडीए की परमिशन से नहीं तैयार हुआ, सारे निर्माण अवैध है। इसको लेकर के लगातार कहीं ना कहीं जितना जो इसने 8 साल में इसने जो संपत्ति अर्जित की है, जो वाकई में कहीं ना कहीं अपराध जगत से जुड़ा होने के कारण इसकी संपत्ति अर्जित करता है। करने वाला आज जो वाजपेयी है वो आज 27 करोड़ का मालिक बन चुका है। अगर बात करें इतनी पैसे अगर उसके पास आए भी हैं, तो क्या जो अधिकारी है वो से मिले हुए हो सकते हैं, जो राजनेता है वो से मिले हुए हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह से लगातार तो खुलासे हो रहे हैं, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और विकास दुबे के ऊपर इतने सारे करीबन 150 लगभग मुकदमे की बात सामने आ रही है, 150 मुकदमे होने के बाद भी उसके खिलाफ किसी भी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि एक आईपीएस तक के उसके संबंध सामने निकलने आ गए, तो सामने एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि अधिकारी, नेता और अपराधी तीनों का तगड़ा गठजोड़ चल रहा था, जिसके चलते इतना बड़ा अपराधी खुलेआम घूमता रहा और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके आराम से फरार हो गया, क्योंकि उसको इतना समय दे दिया, खुद कहीं ना कहीं अधिकारियों ने इतना समय दे दिया कि वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके आराम से बाहर निकल गया। यही कारण है कि अपराधी उसने सबको शुक्ला की हत्या करने के बाद उसको भी एक भाजपा के एक बड़े नेता ने उसको संरक्षण दिया था, जिसके चलते वो उत्तर प्रदेश में एक नेता के घर पर संरक्षण रहा। उसके बाद अब जिस घटना को अंजाम देने के बाद वो आराम से निकल गया,
क्योंकि इसका सीधा एक कारण है कि विकास दुबे के जो संपर्क है वो बड़े बड़े अधिकारियों से और बड़े नेताओं से उन्हें और जो इस तरीके के जो बड़े कारोबारी हैं उन सब से संबंध होने के कारण वो लगातार हत्या दर हत्या की वारदात और मुकदमों को अंजाम देता है या पुलिस के उसके खिलाफ मुकदमे लिख करके मामलों से इतनी करती गई। किसी भी मामले में पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी नहीं करी और 2017 में जब उसकी गिरफ्तारी की भी गई तो उसके बाद उसको कुछ दिनों बाद ही जमानत मिल गई। सबसे बड़ी बात यह क्यों और दो सत्ता के मामले में वो बड़ी हो गया। इसके साथ जो होता है कि अधिकारियों से मिली भगत पहले थी और अब भी मिली भगत कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों की है जिसने पीछे उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं अभी तक पुलिस नहीं की जा रही है या फिर कहीं ना कहीं कहें कि लगातार मिली भगत के कारण पुलिस के अधिकारी उसको गिरफ्तार यानी सुनील जी कह सकते हैं जो अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है विकास दुबे की 100 घंटे से भी ज्यादा समय बीत चुका है लेकिन गिरफ्तारी नहीं की गई है। क्या कह सकते हैं इसमें कि जो अधिकारी हैं वो खुद इसे गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल इसका कहना इसमें कोई गलत बात नहीं होगी कि जिस तरह से जो पुलिस कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस खास करके जो एसटीएफ है वो जब पड़ती है तो 24 घंटे आ जाता है लेकिन इस मामले में जिस तरीके से 72 घंटे बीत चुके हैं उसके बाद भी रिजल्ट केवल शून्य है और कुछ नहीं है। उसमें ये जरूर है कि विकास दुबे के जो खजानची है जय वाजपेयी वो कहीं ना कहीं पकड़ा गया वो भी जो उसने खुद अपने हाथों से उसने अगर कारों को विजयनगर में न खड़ा कराया होता अल्लाह वारिश में न छोड़ा होता तो शायद ये भी पुलिस के हाथ में न आता और वो बाकायदे अपने कारोबार को अंजाम दे रहा होता। अब जाकर के जब एसटीएफ ने पूरे मामले की जब पड़ताल शुरू की है तो उसमें परत दर परत खुल करके सामने आ रहा है कि किस तरीके से कितनी प्रॉपर्टी जय वाजपेयी जी लगातार जो खुलासे थे वो होते जा रहे हैं और जाहिर है कि इसमें ना जाने कितने लोगों के नाम शामिल सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो सरकार करोड़ों का राजस्व डकार गया है खजांची जय वाजपेयी और इसी को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। विकास दुबे के खजांची की 27 करोड़ की प्रॉपर्टी का खुलासा हो गया है। 8 साल पहले 4000 की नौकरी किया करता था लेकिन 8 साल के अंदर आखिर 27 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक कैसा हुआ? तो देखा आपने जिस तरीके से